हाँ जी, अब आइए एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। आज बस हम कंपाउंड को खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन डलवा दूंगा आज। देखिएगा, मिस्टर एक्स डिपॉजिट 10,000 रुपीज इन अ बैंक, प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या आया आपका? 10,000 रुपीज इन अ बैंक फॉर 3 ईयर, ऑफरिंग द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। टाइम क्या है हमारे पास में? 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%। कंपाउंडली, हाफ ईयरली, 6 मंथ। आते समझ जाइए आप, टाइम को मॉडिफाई करना है। तो 1 साल में कितनी, 6 महीने कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो टाइम को 2 से गुणा कर देंगे ना आप, तो क्या हो जाएगा आपके पास में? 6 हो जाएगा आपका, एन इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। और इसको हमेशा 12 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? 1/2। आप अपने रेट को 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 3%। क्लियर है जी? और आपसे पूछ कर रहा है हाफ ईयरली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 1 सेकेंड, 6% कम एक्स डिपॉजिट, गड़बड़ होगी भाई। हाँ, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स डिपॉजिट इज द 10,000 इन अ बैंक फॉर द 3 ईयर्स, ऑफरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 6% कंपाउंडली हाफ ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले 1 साल तक रेट 6% रखा गया है, हाफ ईयरली रखा गया है। ठीक है, फर्स्ट ईयर एट द रेट ऑफ द 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, सेकेंड ईयर रेट क्या कर दिया? 12% कर दिया। तो ये भी टाइम यहां पर भी 1 साल के लिए, सेकेंड ईयर मतलब एक ही साल तो गया, 1 साल के लिए रखा है पैसा, और क्वार्टरली हर 3 महीने में पैसा रखा गया है इन सेकेंड ईयर। एंड द 10% कंपाउंडली कॉन्टिन्यूसली, कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के बाद बारे में क्या कह रहा है? 10% है बट कॉन्टिन्यूसली है। आइए पहले इसको ठीक करते हैं सवाल को थोड़ा सा। सबसे पहले, 1 साल में कितनी बार 6 महीने आते हैं? 2 बार। तो आप यहां से n की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2। 12 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3%। ये समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद यहां पर 1 साल में 3 महीने कितने आ रहा था? 4 बार। तो 4 से करेंगे तो n इक्वल्स टू 4, n आप सॉल्व करेंगे तो 1/4, और 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3%। ये मैंने स्टार्टिंग में सिखा दिया था आपको कैसे करते हैं। क्लियर है? आइए सवाल करते हैं इसको। अमाउंट कैसे निकालोगे आप? अमाउंट निकालोगे आप प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या आपका? 10,000, 1 प्लस रेट। रेट क्या आपके पास में यहां पर? रेट क्या मॉडिफाई करके लाया? 3%। और एन, एन क्या है मेरे पास में? एन मेरे पास में यहां पर है 2। अब जब रेट चेंज होता है ना, तो दोबारा से आप रेट वाले को ही लिखेंगे, बार बार प्रिंसिपल लिखेंगे 1 प्लस। अब जो रेट चेंज हुआ है, क्या रेट आया? 3% आया। और कितने समय के लिए? 4 साल के लिए। क्लियर है जी? बात समझे या नहीं समझे? अब आपके पास में 10% है, तो ये कॉन्टिन्यूसली वाले में क्या करते हैं हम कॉन्टिन्यूसली वाले में करते हैं e रेस टू पावर r इंटू टी। तो r इंटू टी, तो ये 1 साल के लिए तो रखा हुआ है, तो 10% e रेस टू पावर r इंटू टी, तो r 10 बार। क्लियर है जी? अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास में क्या आता है? कर लोगे? अमाउंट इक्वल्स टू छोटा स्पेस पर। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू 10,000, ये क्या हो जाएगा आपका? 1.03 की पावर 2, ये भी आपका 1.03 की पावर 4 इंटू ई रेस टू पावर 0.10। ठीक है जी? अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास में क्या है? 10,000। खैर, 1.03 को तो आप उसका कैलकुलेटर से ही निकाल लेंगे, कोई टेबल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लॉग निकालने की। पेपर में ऐसे आते हैं सवाल छोटे से, इसमें कि टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कैलकुलेटर से हो जाएगा। 1.03 ये, 1 सेकेंड, ये आपके पास है 1.03 की पावर 6 हो जाएगा ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाता है, ई रेस्ट पावर 0.10। तो कैलकुलेटर से कर लोगे आप?
और ई रेस टू पावर 10 के लिए आपको टेबल दिया हुआ होगा, ई का ई की वैल्यू आप वहां से निकाल करके रिप्लेस कर लेंगे। कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछें। क्लियर है? यस की वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। तो ये कुछ लास्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट में, इससे डिफिकल्ट कुछ होगा नहीं। 12.2 का कह रहे हैं आप, 8 ई कैसे आया? ई इसलिए आया क्योंकि यहां पर कॉन्टिन्यूसली लिखा हुआ है। तो मैंने लास्ट क्लास में कॉन्टिन्यूसली वाला टॉपिक लिया था आपका, कि जब भी कॉन्टिन्यूसली वाले टॉपिक में अगर आप क्वेश्चन को लेंगे तो वहां पर आपका ई रेश टू पावर समथिंग होगा, बट रेट बीच में चेंज हुआ तो इसलिए प्रिंसिपल रिपीट नहीं करेंगे। हाँ जी, अब यहां पर मुझसे नेहा क्वेश्चन पूछ रही है, मुझे मतलब नहीं कि बुक उनके पास में कौन सा है, मेरे पास में कौन सा है, मैं फिर रीड कर देता हूँ। नेहा आप बता दीजिएगा, क्या आपका ये क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द 5,000 रुपीज टू अमाउंट 7,000 रुपीज इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली? क्या आपका यही क्वेश्चन है? ठीक है जी, नेहा क्वेश्चन क्या जरा देख लीजिएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। सही बच्चे, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। जो नेहा क्वेश्चन मुझसे 8 नंबर पूछ रही है, देखिएगा एक्सरसाइज 2.2 जेके ठकराल आप कर लीजिएगा, इसमें 18 सवाल हैं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट के। हाँ जी देखिए जरा, जेके ठकराल में से 2.2 एक्सरसाइज पूरा कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ भी इसमें अटकेगा रुकेगा नहीं आपका।
मेन माइक की बैटरी गई है। ओ सॉरी, देखो मैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद को चार्जर से कनेक्ट कर लिया है, तो इतना ही हो पाऊंगा जितना मैं कर पा रहा हूँ। 2% हो गया, ठीक है जी। और दो परसेंट दो परसेंट क्लियर है जी। अब एक काम कर सकते हैं, बोथ साइड लॉग ले सकते हैं। लॉग 1.4 इक्वल्स टू एन लॉग 1.02। क्या आप यहां पर एन की वैल्यू निकाल लोगे? बताओ क्या यहां पर अब आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं? लॉग की तो वैल्यू ये रही, और लॉग 1.40 की वैल्यू आप निकाल लेंगे लॉग टेबल में। कहां है मेरा लॉग टेबल? ये रहा। तो लॉग टेबल में 1.40 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि जीरो 3 डिजिट चाहिए तो जीरो ले सकते हैं ना आप। कैसे? आपको मिनिमम 3 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है तो आप जीरो ले सकते हो। 1.02, ठीक है जी, क्लियर है। तो सॉल्व करते हैं हम यहां पर। 1 14 पे जीरो देख लेते हैं, 14 में जीरो, तो क्या आ गया मेरे पास में? 0.1461 इक्वल्स टू एन। और लॉग 10 पे 2 देख लेते हैं, 10 पे 2, तो क्या आ गया? 0.0086। तो कर लोगे अब आप इसको? एन इक्वल्स टू 0.1461 डिवाइडेड बाय 0.0086। लगभग लगभग कितना आ गया? 16 मोटा मोटा मान लो, या 17 मान लो आप। तो वैसे तो 16 पॉइंट, लगभग लगभग 17 आया। ये एन की वैल्यू आई है बच्चे, ये आपका ईयर नहीं आया। तो 17 बार ब्याज दिया है, और एक साल में 4 बार ब्याज दे देते हो तो कितने साल हो गए? तो 4 6 16, 4 साल मोटा मोटा आपके पास में आया, और 3/4, क्लियर है। तो लगभग लगभग 5 साल के आसपास आपका जो है ये रहेगा। सॉरी, 1/4, यही तो आंसर है आपके ऑप्शन में, क्लियर है। उसको मैं क्वेश्चन दे दूंगा 18 क्वेश्चन, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहे हैं मुझसे। कौन पूछ रहे हैं? 17, श्रुति जैन। बच्चे 17 में क्या है कि आ पर्सन डिपॉजिटेड 4,000 रुपीज इन अ बैंक एट 6% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। तो आप इसमें ये कर सकते हो। देखो मैं ज्यादा मूवमेंट नहीं करवाऊंगा कि मैं खुद चार्जर से कनेक्ट हूं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि प्रिंसिपल 4,000 है और 6% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है, 6% है, और आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल तक तो ये पैसा यूज हुआ है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? प्रिंसिपल क्या लोगे? 4,000, क्लियर है। पी, और आपके पास में कॉन्टिन्यूसली में क्या होता है? पी आर रेज टू पावर, सॉरी,
एस इक्वल्स टू पी ई रेस्ट टू पावर आर इंटू टी होता है ना, तो कॉन्टिन्यूसली, तो प्रिंसिपल क्या आपका 4000 इंटू ई और आर रेस्ट टू पावर टी, तो ये 18% तो मतलब 0.18 हो गया। अब क्या कहता है इसके बाद क्या कहता है कि 6% आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल यूज करा ना इसने, 18% ठीक है। अब क्या कहता है, आफ्टर 3 ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज द इंक्रीज टू 7%, इंक्रीज बाय नहीं है, बाय मतलब कि इतना चेंज होकर के, बाय होता ना तो पहले 6% और 7% 13% हो जाता, बट इंक्रीज टू तो 6 से 7% हो गया, तो अब वो 7% यूज कर रहा है। अगर बाय होता ना इंक्रीज बाय 7% तो अब 13% वो यूज कर रहा होता, 7% प्लस 6 तो 2 है, तो अब फिर से क्या करोगे इसको ई रेस टू पावर, और कितना यूज कर रहा है वो 7% यूज कर रहा है, और कितने टाइम के लिए यूज कर रहा है 7% आफ्टर 3 ईयर्स, 7% एंड आफ्टर 5 मोर ईयर्स। अब इसके बाद 5 साल और बाद 5 साल, तो ये 5 साल तक यूज कर रहा है इसमें, तो आप यहां पर क्या करेंगे 35 0.35 ई रेस टू पावर, आगे क्या हुआ फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया 5 more years, the rate was the further increased to 8%, the money was withdrawal after end of the 10 year, तो अब rate of interest कितना हो गया 8% हो गया, अब उसका rate of interest 8% हो गया, तो 8 साल तो हो गया है, 3 साल वो 5 साल, 8 साल हो गया, और पैसा 10 साल बाद वापस ले रहा है, तो आगे टाइम 2 साल ही यूज करा ना इसने, तो 16% मतलब 0.16, क्लियर है, ये निकाल सकते हो e की आपकी वैल्यू में से e निकाल लोगे, क्लियर है, बात समझ में आपको आई या नहीं आई। श्रुति जैन क्लियर है, क्या हुआ क्वेश्चन क्या है समझिएगा, 4000 पे रखा 6% पर पहले 3 साल के लिए कंटिन्यूसली, ठीक है मैं दोबारा बता देता हूं, श्रुति जैन क्वेश्चन क्या है कि 4000 रुपए रखा 6% पर पहले 3 साल के लिए और कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली आते हैं मेरे दिमाग में सबसे पहले ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है अमाउंट का मैंने अप्लाई कर दिया 4000 इंटू ई रेस्ट टू पावर आर इंटू टी, तो आर है 6% टी है 3 तो 18% जो कि डेसिमल में होगा 0.18, लेकिन मैं इसको यहीं पर रोक लेता, लेकिन यहां पर क्या रेट चेंज हुआ, तो मैं आगे फिर दोबारा से ई रेस्ट टू पावर, पी रिपीट नहीं होता है, ई रेस्ट टू पावर में क्या करूंगा, अब आगे क्या हुआ कि आगे 7% इंटरेस्ट चार्ज हुआ है नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, तो यहां पर ई रेस टू पावर 7% 5 ईयर तक 35% 0.35, और तो अब तक मेरा पैसा 3 साल और 5 साल 8 साल तक मेरा पैसा बैंक में रखा हुआ है, लेकिन मैंने बैंक से 10 साल बाद पैसा निकाला है, तो इस 8 साल के बाद मैंने पैसा अपने बैंक में 2 साल और छोड़ा है, तो अब मेरा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा, 10 साल बाद पैसा निकालता हूं मतलब 2 साल ये यूज होगा 8%, तो 16% 0.16 और टेबल से वैल्यू रख दो इसको, क्लियर है श्रुति जी, क्लियर है जी, समझ में आ गया, बाकी सवाल तो लड्डू हैं, ये तो फ्री के मार्क्स हैं, आप ये मान के चलिए इसमें कुछ है नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा हमारा इसमें बड़ा था क्योंकि इसमें से ही सवाल पूछा जाता है, लेकिन अब टॉपिक हमारे एक एक दिन में उम्मीद करता हूं कि मैं एक टॉपिक कवर कर सकता हूं, कोशिश करेंगे ऐसा, 2.2 हो गया, 2.3 नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ वैल्यू, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा, सब एक एक क्लासेस के क्वेश्चंस को हम करेंगे, देखते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है भैया। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास मंडे, मैंने आपको कहा था कि मंडे टू फ्राइडे क्लास लूंगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगी आपकी, ठीक है जी, वीकेंड है, आप भी वीकेंड सेलिब्रेट करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, होमवर्क करो कंपाउंड के सारे, कोई डाउट आता है आपसे तो प्लीज मुझसे पूछो, जैसे अभी आपने पूछा मैंने सॉल्व करवा दिया, आगे भी ऐसे पूछेंगे करवाता रहूंगा, ठीक है जी। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।